रुको, कहाँ से आ रहे हो? वो अबू, वो मैं अब लाइब्रेरी गया था बुक्स लेने। अच्छा, कहाँ है किताबें? सोच लो, शायद कोई बहाना मिल जाए। असद, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। बड़े हो गए हो तुम, आर्मी ज्वाइन करनी है ना तुम्हें, याद है ना? बापू अभी वो आर्मी ज्वाइन करूँ या ना करूँ बात की बात है, लेकिन आप देख लेना, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि वो शर्त दिख रहा है आपको वहाँ पे। अबे ट्रॉफी रखी होगी मेरे नाम की। नहीं नहीं नहीं, अम्मी को मत देखिए, वो ट्रॉफी ना आप अपने हाथों से रखोगे, देख लेना। बैठने को भी नहीं कह सकती, अरे इतना गंदा है। अरे कोई बात नहीं, आपसे कुछ मांगने आई हूं, इजाजत है? हमारी एक अमानत आपके पास है, उसे लेने आए। आपकी बेटी और हमारे घर की बहू स्वाधीनता, घर आ जाओ। एक बेटी का फर्ज तो तुमने बखूबी निभाया, अब घर आके हमारे घर की बहू की जिम्मेदारियां भी संभाल लो। और एक बात याद रख, भले तुम जिम्मेदारियां एक अच्छी बहू की निभाना, लेकिन है ना, मॉम डैड की बेटी और मेरी बहन मत कर। बनोगी ना मेरी बहन? आ गए। अरे तुम यहां क्या कर रहे हो ऐसे? Come on मॉम, मेरी बीवी का गृह प्रवेश है, मैं ही ना हूं। अरे ऐसे आएंगे आप जनाब, जाकर तैयार होइए, थोड़ा सजिए धजिए, नहीं तो लगेगा दुल्हन दूल्हे के साथ नहीं किसी और के साथ चली आ रही है। मॉम आप भी ना, जाइए जाइए अब जल्दी कीजिए। जया समी, आप स्वाधीनता को ले जाओ और मैं गृह प्रवेश की तैयारी करती हूँ। जी मॉम। आइए। आओ।
आगे बढ़कर इस कलश पर पैर से ठोकर मारो। राइट। राइट फुट से ठोकर लगाओ। और हाँ, थोड़ा सा धीरे से मारना। अच्छा, ध्यान से ना। हाँ, फुटबॉल से मच्छर किक मत मारना। पता है मुझे। कभी कभार एक समझदार औरत को अपने पति को डांट लेना भी चाहिए ना। उससे क्या होता है? ऐसा करने से काबू में रहते हैं। आओ बाबा।